वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। आजकल इंडियन मार्केट में वीवो के कुछ ज़्यादा ही स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई स्मार्टफोन निश्चित रूप से लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले महीने ही दोस्तों वीवो ने वीवो V21e को लॉन्च किया था, उससे पहले Y73 को लॉन्च किया था। अब दोस्तों एक और स्मार्टफोन बहुत जल्द वीवो इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, वीवो Y72 5G के नाम से, जो कि एक मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा। और कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। चाइना में दोस्तों कुछ महीने पहले वीवो Y72 को लॉन्च किया था, जो कि एक 5G स्मार्टफोन था, बट उसे इंडिया में वीवो Y72 5G के नाम से लॉन्च नहीं किया जा रहा है। ये कोई और स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस फोन के ऑफिशियल इंडियन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लीक हो गए, 91 मोबाइल की तरफ से लीक हुए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इस पोस्टर में आपको क्लियरली इस फोन के फर्स्ट लुक देखने को मिल रहे हैं। चाइना में लॉन्च हुए वीवो Y72 से फोन डिजाइन और लुक्स वाइज काफी अलग देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही इस पोस्टर में आपको बॉटम लेफ्ट में कुछ फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो डिजाइन के साथ साथ ये जो फीचर्स है ये मेल खा रहा है दोस्तों चाइना में लॉन्च हुए IQ U3 से। तो मुझे लगता है कि उसी फोन को इंडिया में वीवो Y72 5G के नाम से लॉन्च किया जाएगा। वैसे भी वो फोन काफी समय पहले EMI डेटाबेस के ऊपर लिस्ट हुआ था वीवो V21 SE के नाम से। तो अभी तक SE की कोई खोज खबर बाहर निकल के नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि शायद उसी फोन को अब इस नाम से लॉन्च किया जा रहा है। वैसे दोस्तों एक और बात बता दूं कि इसके स्पेसिफिकेशंस भी लीक हुए हैं ट्विटर से, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो जो स्पेसिफिकेशंस बाहर आए हैं उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रेंडर्स बाहर आए हैं फर्स्ट लुक रिवील हुए हैं पोस्टर से उसमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस तरह का स्पेसिफिकेशन फोन में देखने को मिलेगा। फोन में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है इस वीडियो में, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस और लीक हुए लॉन्च डेट के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों फोन को दो कलर ऑप्शन में लॉन्च किए जाएंगे, एक में आपको कलर ग्रेडियंट डिजाइन देखने को मिलेगा, एक में आपको नॉर्मल ब्लैक डिजाइन देखने को मिलेगा। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन सिमिलर IQ U3 के जैसा ही होने वाला है। बैक पैनल उसी के जैसा प्लास्टिक का होगा, फ्रंट की तरफ फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलेगी, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बेजल्स और चिन जो होंगे फोन में पतले तो नहीं एवरेज टाइप के देखने को मिलेंगे, और प्रोटेक्शन की जानकारी निकल के नहीं है, मेंशन ही नहीं किया गया है कहीं पे। तो ओवरऑल फोन डिजाइन और लुक्स वाइज ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें कन्फर्म 6.58 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, नॉर्मल डिस्प्ले होगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। IPS LCD पैनल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, एमोलेड स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन 90Hz का फोन में फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा होगा, काफी ब्राइट डिस्प्ले फोन में देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं डुअल कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आ रहा है। 48+2MP का इसमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 48MP का जो सेंसर होगा ये वाइड एंगल सेंसर होगा, और सेकेंडरी सेंसर जो होगा वो 2MP का मिलेगा, जो कि एक डेप्थ सेंसर होगा। और फ्रंट की तरफ इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, हो सकता है चेंज करके 16MP का कर दे, देखते हैं क्या होता है। कैमरा काफी अच्छा होने वाला है, वीवो का फोन है, HDR पैनोरमा सब कुछ का ऑप्शन मिलेगा इसके कैमरे में, मैक्सिमम 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो कन्फर्म इसमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इस फोन में LPDDR4X रैम, UFS 2.1 या फिर 2.2 स्टोरेज, 3.5mm जैक, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसे 6GB 128GB 8GB 128GB के दो वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में, तो इसमें कन्फर्म मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलेगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट है, और 7nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है, मतलब फोन में बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी मिलेगी। ग्राफिक्स के लिए इसमें माली G57 GPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह के गेमिंग में आसानी से हैंडल कर लेता है। तो परफॉर्मेंस भी इस फोन में आपको काफी अच्छा मिलेगा, 3,30,000 के करीब फोन के एंटू स्कोर आते हैं, तो परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो गाइस ये थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की प्राइस के बारे में, तो प्राइस की जानकारी लेकिन फिर नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि इस फोन की जो प्राइस होगी वो under 20,000 होगी। अगर ऐसे स्पेसिफिकेशन फोन में देखने को मिलते हैं, फोन की प्राइस डेफिनेटली under 20,000, अराउंड 18-19,000 के प्राइस सेगमेंट पे इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसके हल्के फुल्के लीक्स बाहर आए हैं, इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है इस फोन को इंडिया में 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लीक हुए लॉन्च डेट है तो ज़्यादा दूर है नहीं, देखते हैं क्या होता है 15 जुलाई को ये लॉन्च होता है या नहीं होता है, और लॉन्च किया जाता है
तो किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है और कौन में कैसे स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए